ओ भाई क्या बढ़िया लग रहा है यार। देखो सो 15th को माही भाई ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था एंड उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था। वो पोस्ट में जो बैकग्राउंड म्यूजिक जो यूज हुआ था वो था, मैं पल दो पल का शायर हूं, अगर आपको अभी तक नहीं पता चला कि उन्होंने वो सॉन्ग क्यों यूज किया। बहुत रेलिवेंट भी है। अगर आप मेरे स्पोर्ट को देखें तो इसकी जो लाइन है इसमें बोला जाता है कि मैं पल दो पल का शायर हूं, तो कल कोई और आएगा जो मेरे से अच्छा खेलेगा, कल काफी दूसरे लोग आएंगे जो आपसे अच्छा देखेंगे, तो फ्यूचर में कोई याद करे या ना करे, यू नो, डजेंट मैटर। यार हम सबके लाइफ में काफी धोनी मोमेंट्स हुए हैं। धोनी मोमेंट से मतलब है मेरा वो आइकॉनिक वर्ल्ड कप 6। या वो 2007 वर्ल्ड कप का फाइनल ओवर। एमएस धोनी बांग्लादेश के अगेंस्ट किया गया वो फाइनल बॉल रन आउट। Here we go, last ball through the offside, it's running through, can we run out? Is he run और ऐसे काफी सारे मोमेंट्स हैं, बट एक धोनी मोमेंट जो मेरे लिए स्टैंड आउट करता है वो था ball will go to the deep. I think they'll settle for one. Scores are level. Over to you, Skip. Over to you. He'll just play the perfect block. You won the game for us. You finish it. क्या बन रहा है भाई? एंड चाहे वो कितना भी छुपा ले, वी नो दैट ही इज गोइंग थ्रू अ लॉट, स्पेशली सुशांत इंसिडेंट के बाद एंड अभी ये रिटायरमेंट। एंड इसलिए आई वॉन्टेड टू डेडिकेट दिस वीडियो एंड थैंक हिम फॉर बींग हु ही इज एंड गिविंग अस इंडियंस काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज टू बी प्राउड ऑफ। तो मैं सोचा वॉट विल बी द राइट वे टू थैंक हिम। ओ भाई क्या बढ़िया लग रहा है यार। देखो YouTube.com/RRGC। ऑनेस्टली मैं माही भाई को बहुत मिस करूंगा। वो हेलीकॉप्टर सिक्स, दोस क्रेजी रन आउट्स, वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स, ओ मैं तो भूल ही गया, वो फिनिशिंग सिक्स। आई एम श्योर मैं और भी बहुत कुछ मिस कर रहा हूँ। कुछ बाकी रह गया तो कमेंट्स में बताइए। और ज़्यादा टेंशन मत लो, माना कि वो ब्लू में नहीं आएंगे, पर वो आएंगे, पर अब से सिर्फ येलो में। स्टार्ट द विसल्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप भी मेरी तरह धोनी फैन हैं तो ये वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीक। सी यू, बाय बाय। वीडियो लाइक करना मत भूलना। ओके बाय।